केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में बोल रहे मत सर जी, अभी साउथ की मूवी के बारे में तारीफ नहीं कर तो वही अच्छा है। मतलब क्या मूवी के अंदर केजीएफ चैप्टर 1 देखने के बाद? केजीएफ चैप्टर 1 में तो उसकी पूरी स्टोरी बताई थी। केजीएफ चैप्टर 2 को संजय दत्त को लेकर तो डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि यार मतलब बोले तो संजय दत्त का करियर जब से जेल से निकला पूरा डाउन था। मतलब बॉलीवुड भी उनका करियर नहीं उठा सकते थे। मतलब जो रोल में आए हैं ना उनका करियर कमबैक आ गया। और आज में मतलब बॉलीवुड के जो लोग एजेड हो गए हैं 55 के ऊपर, सब लोग अपनी एज की मतलब 20 साल की उम्र के साथ लड़की साथ रोमांस कर रहे हैं, जो मजा नहीं आ रहा है। पर संजय दत्त ने अपना खुद का बोला विलन करूंगा अग्निपथ के बाद। जो उन मेरे को लगा अग्निपथ के बाद के भाई संजय दत्त गया डाउन, क्योंकि मुन्ना भाई भी नहीं मना रहे कुछ भी नहीं। पर ये जो रोल जो नया है अधीरा भाई, मेरा तो सपने में भी आएगा अधीरा। रॉकी भाई क्या बोलूं भाई, स्टार्टिंग में जो उनकी एंट्री हेलीकॉप्टर से, जो दरवाजे तक वो पहुंचते वॉक करके, एक एक कपड़े जो पहने है, गॉगल, सिगरेट चलाने का स्टाइल, स्वैग, किधर भी डरता नहीं, सीधा घुस जाएगा, तोड़फोड़ करेगा, क्या बोलूं मैं भाई उनके बारे में। रवीना टंडन ने यार शीज डन ऑसम जॉब, ऑसम मतलब बहुत साल बाद। मतलब बीच बीच में जो भी मूवी आते वो भी मतलब धमकी चलती नहीं थी, पर ये जो केजीएफ ने उन लोग का जो बॉलीवुड का जो है उन लोग का डाउन सब खड़ा कर दिया लोग को। मतलब आएगा भाई, पर मैं बोलता हूँ कि भाई संजय दत्त को बोला भाई ऐसे रोल में आओ, विलन का रोल आओ, क्योंकि बॉलीवुड में विलन है नहीं, आओ विलन में भाई, क्योंकि आपके एज के बंदे लोग हीरो का रोल कर रहे अभी तक, पर आपने आपने जो विलन का रोल किया है ना, मैं तो चाहता हूँ उसमें आओ। दुख हुआ भाई जो उसको एंड में जो फटके पिटके पड़ रहे थे, क्योंकि वो टाइम भी कैंसर में भी थे बेचारे, तो ऐसे भी रोल किए उठा उठा के पटके, दुख हुआ, डर भी हुआ कि भाई विलन का रोल है फिर भी उनको मार पड़ रही है। फिर भी बहुत ऑसम जॉब किया है संजय दत्त ने। डायरेक्शन कम बजट 200 करोड़ वाली बजट, मतलब कम बजट है पर ऐसा ऐसा स्क्रीनिंग 200 करोड़ की। जो उन लोग ने स्क्रीनिंग रखा है, टाइमिंग रखा है, मतलब देखा जाए कि ऐसा मतलब स्क्रीनिंग साउथ में दिखने मिलते हैं। 3 घंटे की पिक्चर बोर्ड कभी साउथ वाले करते नहीं। मतलब उन लोगों का टाइमिंग, उन लोगों का स्वैग का टाइमिंग, उन लोगों का एक्शन, ये पिक्चर में एक भी डांस नहीं है, कुछ भी डांस नहीं है, फिर भी मजा आ रही है पब्लिक को देखने ना। आइटम सॉन्ग है, ओनली एक्शन सब तो बहुत। लोगों का रिएक्शन ये था, पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मार्वल की मूवी आती है हॉलीवुड की, हाँ, इस तरीके से उस क्लाइमेक्स में दिखाते हैं, उस तरीके से इस मूवी में दिखाएंगे। मतलब एक नहीं, हॉलीवुड से हॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हॉलीवुड की है स्टोरी। आई लव मार्वल्स, में मार्वल्स देखता हूँ, पर हॉलीवुड से साउथ को कंपेयर नहीं करो। साउथ की जो डायरेक्शन है, अभी रोबोट थे ना आप कंपेयर करोगे हॉलीवुड से, उन लोग के भी शंकर की अलग ही डायरेक्शन थी, ये भी सेम अलग से डायरेक्शन है। ये जो मेहनत करते हैं वो हॉलीवुड को देख के नहीं करते, अपने खुद से मतलब लाना चाहते कि भाई लोग एंटरटेनमेंट नया कुछ लाए। मतलब अभी देखा बॉलीवुड में तो कुछ नया है ही नहीं, जो इन लोग की सब। अभी पुष्पा में देखो आज भी बच्चे बच्चे रील्स में झुकेगा नहीं चालू है। ट्रिपल आर में नाचो नाचो गाना आज भी फेमस है। यश की जैसी दाड़ी रखना पब्लिक चालू की है। आज भी थिएटर में देख रहे पब्लिक बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके आ रही है। बोला यश की पिक्चर है भाई, अपने को भाई पहले टाइगर श्रॉफ उसकी पिक्चर के लिए बॉडी बना के आते थे, आज पब्लिक दाढ़ी बनाने आ रही है लोग की पिक्चर देखने, दाढ़ी नहीं बना रही भाई, मैं आऊँगा देख ले रॉकी भाई। और संजय दत्त का जो नया रूप वो जो है मतलब कांचा चिन्ह के बाद वो चोटी वाला भाई, क्या बोलो उनके बारे में यार, संजय दत्त के बारे में एकदम दिल छा गया है बंदे पे। मैं तो उनका फैन हूँ, पर ये देखने के बाद तो एकदम मतलब दाय हाइट हो गया, मतलब एकदम अभी जाके उनके बंगले के पास जाके भाई बोलूँ भाई क्या बोलूँ। अरे हथौड़ा का जो सीन है जो संजय को हथौड़ा से मारते हो, वो दिख के बहुत दर्द हुआ बंदे को, क्या अपना भाई बॉलीवुड एक्टर है, अपना इंडिया एक्टर है, और साउथ वाले आके अपने को अपने एक्टर को मारने तो मार तो पड़ेगी। हाँ, और मार दिया एकदम। एंड में 5 out of 5 इनको स्टार नहीं है भाई, इनको भाई पूरा मतलब मैं बोलूँ क्या बोलूँ इनके बारे में, स्टार तो भाई यूनिवर्स है भाई, यूनिवर्स यूनिवर्स मास वीनस जो भी है सब कुछ है। केजीएफ चैप्टर 1 आने के बाद 4 साल इंतजार करना पड़ा केजीएफ चैप्टर 2 के, वो तो लॉकडाउन के से हो गया था। देखो आई अंडरस्टैंड कि पार्ट 2 के लिए इतना टाइम के लिए लॉकडाउन था, पर लोग का एक चीज़ आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इंतजार कराया, बिकॉज ऐसी मूवी के लिए हम लोग वेट करना चाहते, ऐसा नहीं कि तुम OTT पे डाल दो ऐसा नहीं, वेट कराए ठीक है, पर अभी कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ अगले साल तक भाई केजीएफ 3 आना चाहिए, और यश भाई वही सेम अवतार, वही सेम सिगरेट, वही सेम वॉट सब। थैंक यू सर, एकदम बहुत मस्त, थैंक यू।